अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो डियर स्टूडेंट, हम इससे पहले मोमेंटम को पढ़ चुके हैं। मोमेंटम हमने देखा था कि दो हमारे पास चीज़ों का दूसरा प्रोडक्ट होता है, एक मैस और वेलोसिटी का, ठीक है। यानी मतलब हमारे पास जो मोमेंटम होता है वो मैस और वेलोसिटी का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम उसी के मुताबिक एक लॉ पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। स्टूडेंट, हम इस पूरी लॉ को पढ़ने से पहले हम देखते हैं इसका मतलब क्या है, ठीक है। हम इसमें क्या पढ़ेंगे ताकि हमें पता चल सके कि एंड तक हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब है कि जो चेंज ना हो, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर वो क्या रहे, सेम रहे, ठीक है, जो चेंज ना हो बल्कि सेम रहे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, यानी मोमेंटम हमारे पास सेम रहता है बिफोर भी और बिफोर कोलिजन भी और आफ्टर कोलिजन भी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, मोमेंटम को पढ़ने से पहले हम एक क्वांटिटी को इसे डिस्कस कर सकते हैं, एक टर्म को हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम बहुत एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। और ये क्या चीज़ है, ठीक है, ये हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारे पास इस सिस्टम में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती, ठीक है। हमारे पास सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती तो हम उसको क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन किस तरह करेंगे, आ सिस्टम इन विच नो एक्सटर्नल फोर्स acts on a system is known as isolated system। यानी isolated system हमारे पास एक ऐसा system है, ठीक है, जिसमें हमारे पास सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स यानी कोई बैरूनी फोर्स एक्ट ना कर रही हो। तो हम इसके एग्जांपल किस तरह देंगे, हमारे पास सपोज कर लें एक बीकर है, ठीक है, इसकी शेप तो नहीं उस तरह की बनेगी लेकिन आप इसको समझ, ये आप समझ लेंगे एक बीकर है, ठीक है। स्टूडेंट, बीकर में हमारे पास वॉच है, ये कुछ तो कोई चीज़ किसी चीज़ से फिल हुआ है, ठीक है। इसमें हमारे पास एटम्स हैं और मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब एटम और मॉलिक्यूल क्या करते हैं, अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है, इधर से इधर जा सकते हैं, आगे पीछे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए स्टूडेंट, जो बीकर है वो ऊपर से फुली टाइट है, ठीक है, बंद है, तो इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम की एक एग्जांपल है, ठीक है, जिसमें हमारे पास सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स बाय कोई फोर्स है वो एक्ट नहीं करती, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम शुरू करते हैं, ठीक है, कि ऐसे ही हमारे पास सिस्टम है, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि जिसमें हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स है कोई एक्ट नहीं करती, तो जो टोटल मोमेंटम है, ठीक है, वो कंजर्व रहेगा यानी सेम रहेगा। तो डियर स्टूडेंट, सपोज कर लें हमारे पास दो मैसेज हैं M1 और M2। हम कहते हैं ये दोनों जा रहे हैं इस तरफ, हम दोनों कह रहे हैं कि दोनों ये इस तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट, अब इसकी जो सी M1 की वेलोसिटी है वो ग्रेटर है M2 से, M1 की जो वेलोसिटी है वो किस M2 से ग्रेटर है, M1 की वेलोसिटी ग्रेटर है M2 से। याद रखिएगा स्टूडेंट, किताब के मुताबिक उसने लिखा हुआ है कि जो मैस M1 है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, U1 से, ठीक है, और ये मैस M2 है ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, U2 से। ये हमारे पास यानी मैस M1 है जो, ठीक है, वो U1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और मैस M2 है वो क्या है, U2 से मूव कर, जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या है, U2।
ठीक है, या हम इसको ए का नाम दे देते हैं और इसको बी का नाम दे देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हम कंसिडर करते हैं कि मैस एम वन इज ग्रेटर देन एम टू। ठीक है, ये हमारे पास मैस है एम सॉरी मैस एम वन की जो स्पीड है वो ग्रेटर देन है मैस एम टू की स्पीड से। ठीक है, अब स्टूडेंट जैसे जैसे वो आगे चलेगा, ठीक है, एक वक्त आएगा इससे टकरा जाएगा, यानी ये आगे चलता जाएगा एक वक्त ऐसा आएगा कि वो उसे टकरा जाएगा। अब स्टूडेंट्स जैसे जैसे ये आगे मूवमेंट कर रहा है तो ये इससे क्या करेगा, कोलाइड करेगा, टकराएगा, कोलिजन करेगा। ठीक है, अब कोलिजन करने के बाद क्या होगा, ठीक है, जैसे ये एक दूसरे से टकराएंगे, टकराने के बाद फिर क्या काम करेंगे, ये जो सा मैस है एम वन ये दोबारा वापस आ जाएगा। ठीक है, तो टकराने के बाद जो वो वापस आएगा, ठीक है, वो उससे अलग होगा। ठीक है, जो टकराने के बाद हम सपोज कर रहे थे उसकी वेलोसिटी क्या है, वी वन। ठीक है, और जो मैस टू था, मैस टू उसकी वेलोसिटी क्या है, वी टू। ठीक है, यानी हमने क्या चीज़ देखी कि हमारे पास दो मैसेज हैं एम वन और एम टू। ठीक है, वो मूव कर रहा है, मैस एम वन आगे मूव कर रहा है, ठीक है, और मैस एम टू भी मूव कर रहा है। तो हमने देखा कि मैस एम वन की जो वेलोसिटी है वो इससे ग्रेटर है, ठीक है, एम टू से ग्रेटर है। चलते चलते एक वक्त ऐसा आएगा कि ये आपस में टकरा जाएंगे, टकराने के बाद फिर दोबारा ये वापस आएंगे। ठीक है, तो टकराने के बाद जो मैस की वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, मैस एम वन की वेलोसिटी वी वन और मैस एम टू की वेलोसिटी वी टू। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट हम देखेंगे कि इसका मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ठीक है, बिफोर कोलिजन इसका मोमेंटम क्या था, बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन एम वन यू वन। ठीक है, इन दोनों का मोमेंटम प्लस हो जाएगा बिफोर कोलिजन एम वन यू वन, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या है, बिफोर कोलिजन यू वन, अभी तक कोलिजन नहीं हुआ। ठीक है, प्लस एम टू, ये मैस क्या हमारे पास एम टू और साथ उसकी वेलोसिटी क्या है यू टू। ठीक है, ये हमारे पास बिफोर कोलिजन, ठीक है, और स्टूडेंट इसी तरीके से आफ्टर कोलिजन, कोलिजन इनका मोमेंटम क्या है, आफ्टर कोलिजन एम वन वी वन, ठीक है, प्लस एम टू वी टू। ठीक है, कोलिजन का क्या मतलब है, जब वो आपस में एक दूसरे से टकराएंगे, टकराने के बाद जब वो वापस आएंगे, ठीक है, तो इसका जो मोमेंटम है, ठीक है, वो क्या होगा एम वन वी वन, तो इसका क्या एम टू वी टू, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे एम वन वी टू, यानी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, आफ्टर कोलिजन यानी बाद में जो कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटीज होंगी वो क्या होगी, वी वन और वी टू प्लस एम टू एम वन वी वन। ठीक है, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, यानी बिफोर कोलिजन उनका क्या होगा, उनकी वेलोसिटी क्या होगी एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू, और जो आफ्टर कोलिजन है उनकी वेलोसिटी क्या होगी एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि यानी बिफोर कोलिजन हमारे पास क्या आई थी एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू, एंड आफ्टर कोलिजन क्या आई थी एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू। ठीक है, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट थे ए और दूसरा बी, और ये भी ए थे, ए था मैस और ये क्या था बी, बिफोर यू वन बिफोर कोलिजन यू वन वेलोसिटी इसकी और बिफोर कोलिजन यू टू इस बी, जो सा बी मैस है इसकी वेलोसिटी कितनी है यू टू, इसी तरीके से इसकी क्या है वी वन और इसकी क्या है वी टू। ठीक है, अब स्टूडेंट आपको आप बताएं कि ये हमारे पास जो मैस ए है इस पे क्या कर रहा है, एक फोर्स लगा रहा है, इस पे जो मैस ए है मैस बी पे क्या कर रहा है फोर्स लगा रहा है। ठीक है, मैस ए मैस बी पे क्या कर रहा है एक फोर्स लगा रहा है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास ये क्या था मैस एम टू, यानी ए बी पे ए कौन सा मैस है,
ये बी पे क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो इन जो ए हमारे पास फोर्स लगा रही है, ए बी हमारे पास बेसिकली हमने एक इक्वेशन पढ़ा एफ इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा पी, ठीक है। यानी फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो फोर्स जो हमारे पास बार ए है वो बी पे लगाएगा, ए जो बार ए है बार बी पे फोर्स लगाएगा, इस दौरान इसका मोमेंटम क्या होगा, ठीक है, वो होगा एम एम टू वी टू माइनस एम टू यू टू डिवाइडेड बाय पी डिवाइडेड बाय टी, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट ये जो सा हमारे पास मैस ए है, ठीक है, मैस ए है। अब जब मैस ए ने क्या काम किया, मैस बी पे एक फोर्स लगाई, ठीक है। फोर्स लगाने के बाद जो मैस बी है उसने भी क्या काम किया, उसने भी क्या किया, ए पे एक फोर्स लगाई। स्टूडेंट याद रखिएगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, एवरी एक्शन एवर रिएक्शन एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल व्हाट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। यानी हर अमल का एक रद्दअमल होता है, अमल और रद्दअमल बराबर, लेकिन इनकी जो सिमत है ये क्या होती है, मुखालिफ होती है, ठीक है। यानी जब ये एक दूसरे से टकराएंगे, ठीक है, टकराने के बाद जो इनकी जो वेलोसिटीज होंगी, यानी टकराने के बाद वेलोसिटी वी वन होगी, यानी जब ए बी से टकराएगा, बी से टकराने के बाद वो क्या होगा, वापस मूव करेगा। यानी ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक ये जो सा बी ऑब्जेक्ट है, बी ऑब्जेक्ट दोबारा क्या करेगा, ए की तरफ एक फोर्स लगाएगा, ठीक है। जो वो फोर्स लगाए वो क्या होगी, एफ बी ए इज इक्वल टू एम वन वी वन माइनस एम वन यू वन डिवाइडेड बाई टी। तो ये स्टूडेंट एफ ए बी और हमने एफ बी ए दो फोर्सेस को हमने क्या किया, ये निकाल दिया, ठीक है। अब स्टूडेंट हमने पढ़ा है कि न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है, ये क्या है कि दोनों जो फोर्सेस होती हैं वो मैग्नीट्यूड में बराबर होती हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ ए बी एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, ठीक है। यानी जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ये है वो बी पे क्या फोर्स लगा रहा है, एक फोर्स लगा रहा है, और उसी के नतीजे में मैस जो बी है वो भी क्या कर रहा है, ए पे एक फोर्स लगा रहा है, ठीक है। ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। हम क्या काम करेंगे, इन दोनों की जगह वैल्यूज पुट करेंगे, एम टू वी टू माइनस एम टू यू टू डिवाइड बाई टी। यानी एफ ए बी हमारे पास ये आया है और एफ बी ए हमारे पास क्या आया है, एम वन वी वन डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। यानी हमारे पास जो रिलेशन आया था, ये जो फोर्स ए लगा रहा है ऑब्जेक्ट बी पे, ठीक है, उस दौरान हमारे पास चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम क्या आया था ये, और जो बी ऑब्जेक्ट ए पे फोर्स लगा रहा है उस दौरान हमारे पास मोमेंटम आया ये वाला, ठीक है। तो स्टूडेंट इनके साथ तो साइन माइनस आएगा, ठीक है, ये टी और ये टी कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या बच गया, एम टू वी टू माइनस एम टू यू टू इज इक्वल टू माइनस इन टू एम वन वी वन माइनस एम वन यू वन, ठीक है स्टूडेंट। अब ये जो सा माइनस है ये अंदर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा एम टू वी टू माइनस एम टू यू टू इज इक्वल टू, ये माइनस क्या होगा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस एम वन वी वन प्लस एम वन यू वन, ठीक है स्टूडेंट। यानी अंदर माइनस क्या हो गया, हमने सिर्फ एक काम किया, इस माइनस को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट कुछ टर्म इधर आ जाएंगे, कुछ टर्म उधर चले जाएंगी, तो ये हमारे पास माइनस एम वन वी वन है, इसको हम उठा के ऊपर कर लेते हैं, हमारे पास रिलेशन आया था एम टू वी टू माइनस एम टू यू टू इज इक्वल टू माइनस एम वन वी वन प्लस एम वन
यू वन। स्टूडेंट इसको उठा के हम इधर ले आए या इसको उठा के उधर ले जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस एम वन ये कर लेते हैं, एम टू वी टू ये माइनस है, इतना क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस एम वन वी वन, ठीक है। और राइट साइड पे क्या हमारे पास एम वन यू वन, ये माइनस है जिसके बजाय क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस एम टू यू टू, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब हम इनको क्या काम करते हैं, रीअरेंज करते हैं। एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू इज इक्वल टू एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट आपने देखा होगा कि ये हमारे पास क्या आ रहा है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, जो हमने क्या काम किया था बॉल जो बॉल की जो पहले जो वेलोसिटी हमने कंसीडर की थी वो क्या थी u1, और आफ्टर कोलिजन जो हमने क्या काम किया था बॉल की वेलोसिटी कंसीडर की थी वो थी v2, ठीक है। इसको उठा के हम इधर ले आते हैं, m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2, ठीक है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं टोटल मोमेंटम फिर बिफोर क्लियर और टोटल मोमेंटम आफ्टर क्लियर सेम है, हमने यही उद्देश्य उसको पहले निकाला था, ठीक है। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन यानी ये जो सारा रिलेशन है एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू ये क्या था टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ठीक है। और जो राइट साइड पे एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू वो क्या है टोटल मोमेंटम बिफोर आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो ये हमने क्या प्रूव किया, आफ्टर कोलिजन यानी हमारे पास टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन भी सेम रहे और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन भी सेम रहे। तो हमने ये चीज प्रूव कर ली थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कि हमारे पास जो हमारे पास मोमेंटम है बिफोर कोलिजन भी सेम रहेगा और आफ्टर कोलिजन भी सेम रहेगा। तो हमने टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन प्रूव किया। तो ये स्टूडेंट हमने पढ़ा था उसमें आइसोलेटेड सिस्टम में कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होता है आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल फोर्स किसी भी बॉडी पे एक्ट नहीं कर रही होती, ठीक है। तो ये इसी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी उसकी एक एग्जांपल है, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ा है, हमने क्या देखा है कि हमारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती। तो ये था हमारा आर्टिकल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इससे फर्दर हम एक चीज आगे पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट हम पढ़ने जा रहे हैं जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की कोई एग्जांपल, ठीक है। तो स्टूडेंट हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक गन है, ठीक है। गन से जब भी हमारे पास कोई बुलेट हम फायर करते हैं, ठीक है, बुलेट फायर करने से पहले हम क्या काम करते हैं देखते हैं बुलेट किस में होता है, रेस्ट अलर्ट में होता है, ठीक है। यानी उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है जीरो होती है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, जबकि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है वी एफ, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है दूसरा बिफोर कोलिजन एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू ये हमारे पास एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, ठीक है स्टूडेंट। अब एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू ठीक है ये हमारे पास इधर क्या होगा जीरो होगा, क्योंकि हमारे पास जो उसका बिफोर मोमेंटम है वो क्या होगा जीरो होगा, ठीक है। जब वो गन से निकलने से पहले जब बुलेट निकलेगा उससे पहले हमारे पास उसका मोमेंटम क्या होगा जीरो होगा, ठीक है। और बाद में क्या होगा एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू। तो डियर स्टूडेंट हम इसमें से वी वन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और वी टू की, ठीक है। तो ये इधर आएगा एम वन वी वन इज इक्वल टू माइनस एम टू वी टू, ठीक है। अगर हम इधर से वी टू की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो हमारे पास m1 v1 डिवाइडेड बाय m2 ठीक है इज इक्वल टू v2, ठीक है। ये स्टूडेंट हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी होगी बुलेट की आफ्टर फायरिंग, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगी v2 इज इक्वल टू माइनस m1 v1 डिवाइडेड बाय m2, ठीक है। इस मिसाल को देने का मकसद यही था कि ये आगे न्यूमेरिकल में इसका यूज होगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एग्जांपल, ठीक है, जिसमें हमने क्या काम पढ़ क्या चीज़ पढ़ी, ठीक है।
हमने पढ़ा कि हमारे पास एक दूसरी गन है, गन से जब भी हम क्या काम करते हैं, किसी भी बुलेट को फायर करते हैं, ठीक है। बुलेट को फायर करने से पहले जो बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी होती है वो क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। जब वेलोसिटी जीरो होगी तो उसका जो कोई ना कोई ज़्यादा अगर मैस भी होगा, ठीक है, यानी उसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू वो क्या होगा, हमने इक्वेशन पढ़ी है, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, यानी उनका जो बिफोर कोलिजन हमारे पास वो उसकी जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, वो क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। और जो आफ्टर कोलिजन होगी वो एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, ठीक है। इधर से हम वी वन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और वी टू की, ठीक है। बेसिकली वी टू क्या है हमारे पास, जो ये बुलेट वो गन से निकलता है, वो गन से निकलने के बाद उसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, वी टू। तो ये हमारा आर्टिकल क्लास ऑफ मोमेंटम।